तो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। और इस बार मैं आपको बताऊंगा गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में लगभग 50 करोड़ लोग काम करते हैं, जिसमें से 41% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में या फिर किसानी, जो गाय की डेयरी चलाते हैं, फार्मिंग, ऐसे टाइप के लोग 41%, और बाकी जो 26% लोग हैं वो आते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गई, कोई प्लास्टिक मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई कपड़े मैन्युफैक्चर कर रहा है, इस टाइप के लोग 26% है। और बाकी के 33% जो लोग हैं वो सर्विस सेक्टर में आते हैं, जैसे कि हाउसकीपिंग हो गया, गार्ड की नौकरी हो गई, ऐसे कई टाइप के छोटे काम वो आते हैं सर्विस सेक्टर में। और यही जो 100% होता है, इसके जो 94% जो लोग होते हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। अनऑर्गेनाइज जैसे कि कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी हो गई, कोई होटल मैनेजमेंट कंपनी हो गई, और उन्हीं में जो कोई गार्ड की नौकरी करता है, कोई लेबर की नौकरी करता है, कोई प्लम्बर की नौकरी करता है, तो वो लोग जो सर्विस सेक्टर होते हैं वो इसमें आ जाते हैं, समझ रहे हो ना। और बाकी के जो 94 हटा के जो 6% बचे वो जैसे गवर्नमेंट जॉब हो गई, कोई स्टेटें सरकारें जो ओन करती हैं कुछ लोगों को, या प्राइवेट कंपनी हो गई। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे देश में आजकल कुछ भी सरकारी नहीं बचा है। टाटा ने एयर इंडिया को खरीद लिया, एयर इंडिया पहले एक सरकारी एयरलाइन थी, अब टाटा ने खरीद लिया है। बिजली थी हमारे देश की, वो अडानी इलेक्ट्रिसिटी खरीद चुके हैं, और पेट्रोलियम का भी काफ़ी हिस्सा रिलायंस इंडस्ट्री ओन करती है। जहाँ तक कि हमारा जो लाइफ इंश्योरेंस था जो सरकारी था वो LIC ओन करती है। ऐसे ही कई सारी सरकारी कंपनियाँ थी जो आजकल प्राइवेट के अंडर आ चुकी है। हमारा जो सरकारी नेटवर्क था BSNL, वो तक आजकल चलता भी नहीं है, लोग एयरटेल और जियो को ही ज़्यादातर पूछते हैं। और बात रही प्राइवेट नौकरी की, तो प्राइवेट नौकरी आपको डिग्री देख के नहीं देती, वो आपकी स्किल देख के देती है। वो ये देखती है कि आप उसको क्या दे सकते हैं तो ही वो आपको नौकरी देती है, नहीं तो वो नहीं देती। तो आज के टाइम में लोग स्किल पर ज़्यादा वर्क कर रहे हैं बल्कि डिग्री से। जैसे कि आप अपनी डिजिटल स्किल में देख सकते हैं कि आपके SEO क्या होता है, गूगल कैसे काम करता है, सोशल मीडिया क्या होता है, या फिर आप सॉफ्ट स्किल भी देख सकते हैं, जैसे स्टोरी टेलिंग, जैसे कई स्टोरी टेलिंग की आप कहानियाँ कैसे सुना रहे हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसके स्कूल में आप जाओगे तो बच्चों को कहानियाँ काफ़ी पसंद होती है, तो आप वहाँ पर भी जॉब कर सकते हो। और एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ता जाता है, स्किल्स में आपकी इंक्रीमेंट भी होता रहता है, और प्राइवेट नौकरीज में इंसेंटिव भी मिलता है, काफ़ी टाइप्स के बोनस भी मिलते हैं, तो लोग आजकल प्राइवेट नौकरी में ज़्यादा जा रहे हैं। और जैसे स्किल सॉफ्ट स्किल में हो गया स्टोरी टेलिंग, कम्युनिकेशन कि आपको जैसे मल्टीपल, तो स्टोरी हो गया कम्युनिकेशन कि आपको मल्टीपल लैंग्वेज में बात करना आता है या नहीं आता, तो आप डिफरेंट लैंग्वेज सीख सकते हैं, कम्युनिकेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड कर सकते हैं, किसी भी भाषा में सीखो, इसी टाइप्स के। और तीसरी सॉफ्ट स्किल हो गई पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग वो नहीं जो नेटवर्क मार्केटिंग वाले करते हैं कि दो आगे दो पीछे, दो जोड़ो यहाँ दो जोड़ो, वो नहीं। पब्लिक स्पीकर जैसे मान लीजिए आप हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को, जैसे नरेंद्र मोदी, वो पब्लिक के आगे कैसे बोलते हैं, या फिर आप जैसे स्कूल में जाते थे तो लोग प्लेज कैसे करते थे, थॉट कैसे करते थे, उस टाइप का पब्लिक स्पीकर। तो कई कंपनियाँ इसलिए भी रख लेती कि आप उनके प्रोडक्ट को दिखा सकते हैं पब्लिक के आगे, आपको कॉन्फिडेंस है। ऐसे ही करते करते आपकी स्किल भी डेवलप हो जाती है धीरे धीरे। और आप कई टाइप्स के ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, या फिर अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट, तो आप B2B मार्केटिंग सीख सकते हैं कि एक बिजनेसमैन को दूसरे बिजनेसमैन का सामान कैसे बेचा जाए, किस तरीके की टेक्निक यूज़ करी जाए। और वेब एनालिटिक्स की आप वेबसाइट में आपके कैसे एनालिटिक्स काम कर रहे हैं, कितना ऊपर ग्राफ जा रहा है, किस तरीके से लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, कौन से पेज पे आ रहे हैं, तो आप ये भी देख सकते हो। और डाटा एनालाइज, डाटा मतलब क्या लोगों को पसंद आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या लोग देखना पसंद कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आप डाटा भी एनालाइज। तो आप देख रहे हैं आजकल स्किल में काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। और बात रही गवर्नमेंट जॉब की, तो हर साल UPSC में करीबन 12 से 14 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, लेकिन सिलेक्शन खाली 300 या 400, मतलब 0.1% लोगों का भी सिलेक्शन नहीं होता है। नौकरी तो अच्छी है, इज्जत है, शोहरत है, सब कुछ,
लेकिन जिस चीज़ का 0.1% भी चांस ना हो तो फ़ायदा क्या। तो मेरा ओपिनियन तो यही है कि अगर आपको ज़रा सा भी लगता है कि आपका नहीं होगा, फिजिकल डिसेबिलिटी है कि आप आर्मी में नहीं जा सकते, या फिर आपके घर वाले फोर्स कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब, तो उनको समझाओ, मेरा वीडियो भी दिखाओ, तो वो शायद समझेंगे आपकी बात को कि गवर्नमेंट जॉब में आजकल कुछ नहीं रखा। और बात रही, कई लोग कह रहे होंगे कि हमारे पास लैपटॉप नहीं है, फ़ोन नहीं है, तो भाइयों आप लोग खुद सोचो, आप गांव से दिल्ली तक पढ़ने आते हो, किराया देते हो, ट्यूशन फीस देते हो, उससे बढ़िया तो आप कुछ पैसे बचा के एक लैपटॉप ले लो। और बात रही स्किल की, वो आप यूट्यूब पे भी सीख सकते हो, यूट्यूब पे भी कई सारा कंटेंट, और नहीं होगा तो आप कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा, तो आप वहाँ पर भी स्किल सीख सकते हैं, जस्ट कई सारी स्किल, तो आप वहाँ पर भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। स्किल में क्या है, अगर आपने 5-6 महीने भी अच्छे से मेहनत कर ली तो वो एक काफ़ी अच्छी स्किल बन जाती है, और लोग आपको पैसे भी देने चालू कर देते हैं। और अगर आपको पैसा भी ना दे कोई, इंटर्न बेस पे भी रख लो तो भी हायर हो जाओ, कुछ टाइम बाद तो देगा, धीरे धीरे एक्सपीरियंस आएगा, कुछ तो देगा, धीरे धीरे सीखते जाओगे। इसी तरीके से आजकल लोग स्किल पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी तो बची नहीं है ना, और बल्कि सरकारी नौकरी के जो लोग हैं वो भी यही चाहते हैं कि प्राइवेट कंपनियाँ ऑन करें, कि प्राइवेट नौकरी में कम से कम काम करने को मिलता है, काफ़ी सारा बोनस मिलता है। और आखिरी में मैं यही कहूँगा कि थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, और हाँ अपने उस दोस्त को शेयर जरूर कर देना जो गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहा, ताकि उसको पता चल जाए कि कितनी सच्चाई है और क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।